Hello friends, welcome to my channel. Please friends, like, share and subscribe my channel. आज का ये बहुत ही प्यारा सा जो डिज़ाइन है, जॉर्जेट का कपड़ा है और प्योर शिफॉन का इसका दुपट्टा है सीक्वेंस वर्क में। वही राउंड ब्रश है और यहाँ पे ये छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ दो स्पैरो वाला डिज़ाइन मैं आपको बना के दिखाऊंगी, डिफरेंट कलर के। बहुत 3-4 कलर के फ्लावर मैंने बनाए हैं, उनको कोई कहीं तो अकेले में कलर बना का फ्लावर बनाया है, कहीं कहीं 2-3 कलर मिक्स करके बनाया है। पहले इस कपड़े को गीला किया हल्का सा, क्योंकि जॉर्जेट में वाटर से अगर हम करते हैं तो वो जल जाता है। उसमें फिल किया और फिर मैं वाइट की आउटलाइन की है। ये छोटे छोटे फ्लावर बनाए हैं इसमें, ये वाइट की आउटलाइनिंग है। इसकी आउटलाइनिंग ना हम वही 000 ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने उसी ब्रश से ही किया जिसे मैं पेंटिंग कर रही हूँ, क्योंकि राउंड ब्रश हैं तो सामने से पतले ही होते हैं और मुझे थोड़ी मोटी आउटलाइनिंग चाहिए थी। और थोड़ा सा ना पेंट का सूखना भी अभी सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा लेट होता है, इसको आउटलाइनिंग करने के लिए सुखाना भी रहता है। आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, ठंडा है, कि इसको हम ड्रायर कर सकते हैं, ये जो हेयर ड्रायर होते हैं उनसे हम सुखा सकते हैं तुरंत और फिर जल्दी से पेंट हो जाता है। वो कंप्लीट हो गया और अभी इसकी टहनियाँ सी बनाएंगे। और ये मैंने ब्राउन और ग्रीन दोनों ही कलर को ना हल्का हल्का सा, कभी तो ब्राउन का ब्रश लगाया है और कभी ग्रीन का लगाया है, तो टहनियाँ अपने आप ही सुंदर बनी है इसकी। ये थोड़ा लाइटिंग का कैमरे में बहुत फ़र्क रहता है और इसलिए थोड़ा दिखाई कम दे रहा है। कलर इसका बड़ा अलग आता है कैमरे में, जबकि आंखों से देखने में ये सूट और सूट की पेंटिंग बहुत सुंदर है इसकी। और इसकी ना मैंने गोल्डन से कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी आउटलाइनिंग भी की है, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, इसके बाद दुपट्टे का ही वीडियो आएगा। ये प्योर शिफॉन का दुपट्टा है, सीक्वेंस वर्क है इसमें, और इसके विड्थ और लेंथ दोनों साइड में ही मैंने बेल बनाई है, वही छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और पत्तियों के साथ, ठीक है। और इसके दोनों जो पल्ले रहते हैं उसमें तो मैंने फ्लावर्स वाली बेल बनाई है, लेकिन जो इसका लेंथ रहती है उसमें मैंने ओनली पत्तियों से बनाई है बेल। बहुत बारीकी का वर्क है और बहुत ही सुंदर दुपट्टा रेडी हुआ है इसका। आप लोगों में से फ्रेंड्स अगर कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन करना चाहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। ये मैंने दिखाया है आपको पल्लों का वर्क है, बस ये कंप्लीट होते ही दूसरी साइड का भी दिखा दूँगी। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा वर्क मैंने दोनों साइड का ही दिखाया है, ताकि देखने में
पता चले कि दुपट्टा किस तरह से बना और किस तरह से हम इजीली बना सकते हैं। इजी डिज़ाइन है लेकिन थोड़ा बारीकी का वर्क है, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है बारीकी वाले वर्क में। जिस तरह की भी डिमांड कर देते हैं कस्टमर्स, उसी तरह का फिर रेडी भी करना होता है। इसके बाद ये गोल्डन सी आउटलाइन हो गई। बस ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ये देखिए इधर वाला ये वर्क है, इस साइड का बस वही पत्तियां बनाई हैं, उन्हें मिला दिया है, फिर उनके अंदर ब्लैक का थोड़ा थोड़ा सा उसे डेकोरेट किया और गोल्डन से और ब्लैक से, और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन रेडी हुआ है इसका। ये जो ब्रश वगैरह का रहता है ना कि कौन सा ब्रश किस फ्लावर में यूज़ करें, ये इतना मैटर नहीं रखता है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा हमारा हाथ पेंटिंग पे टिक जाता है तो अपने आप सफाई आने लगती है। लेकिन हाँ, अगर हम छोटे फ्लावर बना रहे हैं, छोटी पत्तियाँ बना रहे हैं, तो छोटे वाले फ्लावर्स के लिए और इनके लिए छोटे ब्रश चाहिए होते हैं, और जो बड़ा डिज़ाइन होता है हमारा रोज़ेस वगैरह काफ़ी बड़े बटरफ्लाइज या इस तरह का बनाना होता है, तो उसके लिए थोड़े चौड़ाई में बड़े जो ब्रश होते हैं, बड़े नंबर, वो लेने होते हैं। बाकी ये चीज़ नहीं होती है। ये देखिए, ये सेंटर में मैंने कहीं कहीं, ये तो कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा इस तरह से तीन पत्तियाँ ये बना दिया, और सेंटर में कहीं कहीं अलग अलग बिखरा के पत्तियाँ बना दी हैं, और ये बहुत सुंदर डिज़ाइन रेडी हुआ है पूरे सूट का ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।